इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 3 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। दुनिया को बेहतर बनाने के काम में जुटे लोगों में शुमार बाबा आमटे को आज ही के दिन 1985 में जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 3 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1492 में यूरोपीय देश स्पेन से सभी यहूदियों को बाहर निकाला गया था। 1492 में आज ही के दिन इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 पोत के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ था। आज ही के दिन 1678 में रॉबर्ट लासैले ने अमेरिका में पहले जहाज का निर्माण किया था। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन 1886 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। आज ही के दिन 1900 में फर्स्ट वन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना की गई थी। 1914 में आज ही के दिन पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। भारतीय संगीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। भारतीय संगीतकार तथा अभिनेता जयदेव का जन्म आज ही के दिन 1919 में हुआ था। आज ही के दिन 1925 में अमेरिका की अंतिम सैन्य टुकड़ी ने निकारागुआ छोड़ा था। 1949 में आज ही के दिन इंडोनेशिया ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर अपूर्व सेन गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। आज ही के दिन 1957 में अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया था। उनके नेतृत्व में ब्रिटेन से मलेशिया को आजादी मिली थी। 1960 में आज ही के दिन पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म आज ही के दिन 1984 में हुआ था। आज ही के दिन 1985 में बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल CM पुनाचा का निधन आज ही के दिन 1990 में हुआ था। आज ही के दिन 2003 में अमेरिका के एंग्लिकन चर्च में एक समलैंगिक को बिशप बनाने का फैसला किया गया था। 2004 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था। आज ही के दिन 2007 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्षयान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा था। 2007 में आज ही के दिन लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोगों की जान चली गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।